प्रदेश भर में एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। वहीं जींद में एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार के प्रति रोष जाहिर करते हुए धरने के सातवें दिन अपनी मांगों को लेकर शहर में प्रदर्शन किया और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की शव यात्रा निकाली। प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी जींद रानी तालाब पहुंचे और स्वास्थ्य मंत्री के पुतले को आग के हवाले कर दिया। साथ ही कर्मचारियों ने सरकार को उनकी मांगे न मानने पर पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। सेवा सुरक्षा नियम लागू नहीं होंगे तो दिन प्रतिदिन ऐसे विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही रहेगा। तो आज क्या किया आप लोगों ने? आज हमने मुंडन करवाया है। क्यों आवश्यकता पड़ी मुंडन करवाने की? हमारे सेवा सुरक्षा नियम लागू नहीं हो रहे अभी। क्या है सेवा सुरक्षा नियम? जॉब सिक्योरिटी परमानेंट होनी चाहिए। हम कितने दिन लग धरने बैठे हैं आप? हम 5 तारीख से बैठे थे, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति रो रहेगी जो पदाधिकारी आदेश करेंगे। मांगे न मानने के कारण से आपने मुंडन करवाया? हाँ जी। क्या नाम आपका? सुनील कुमार। वही इस प्रदर्शन के दौरान कई कर्मचारियों ने मुंडन करवाकर सरकार के प्रति अपना रोष जाहिर किया। इन एक्सप्रेस के लिए जींद से रोहताश भोला की रिपोर्ट।